नहीं, एक है कि बेड मैनेजमेंट आज सीसीसी कैटेगरी और डीसीएचसी कैटेगरी, जिसको हम कहेंगे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स और जिनको सिर्फ ऑक्सीजन लगता है, ये पेशेंट्स के लिए कोई बेड का प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि करीबन 500 बेड्स हम और भी बढ़ा रहे हैं, ये सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए डीसीएच हॉस्पिटल्स में बढ़ा रहे हैं। खास तौर पर मुझे लगता है कि ये बेड्स बढ़ने के बाद, और आज भी एकदम बेड किसी को नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, ये बेड मैनेजमेंट का भी एक मुद्दा है कि कभी-कभी आईसीयू के बेड्स भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट अपने इन्फ्लुएंस से जब अधिकतर पैसे दे के कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसमें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बीएमसी के हद तक हर प्राइवेट हॉस्पिटल को एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर दिया गया है, हेल्पलाइन दी गई है, और वहाँ पर भी वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर वहाँ पर बैठ के मे आई हेल्प यू, ये बोर्ड लगा के वहाँ पर बैठेगा और हर किसी को ये इंश्योर करेगा कि 80% बेड वो हॉस्पिटल से मिले हैं या नहीं, और प्रॉपरली उसके चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं या नहीं, या किसी के ऊपर इनजस्टिस हो रहा है, वो सभी बारकाई से देखने का काम और बीएमसी को रिपोर्ट करने का काम ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर ज़रूर करेगा। सर वो उस वाली इशू पे टेली मेडिसिन महाराष्ट्र में ये टेली आईसीयू की शुरुआत हम करने वाले हैं। देखिए, ये जो कोविड-19 है उसके जो भी रुग्ण हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक तो 75 to 80-85% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 10 to 15% लोगों को एक ऑक्सीजन लगने की संभावना होती है, लेकिन एक 2% to 3% लोग जिनको क्रिटिकल या सीरियस कहा जा सकता है, उनके लिए आईसीयू ज़रूरी है। और आईसीयू में आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, जिनको हम विशेषज्ञ कहेंगे, तो ये विशेषज्ञ डॉक्टर्स खास तौर पर उनकी उपलब्धता कम होती है। तो ये जो इंटेंसिविस्ट है, या तो एमडी मेडिसिन होते हैं, एमडी चेस्ट होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनके लिए इनकी कमी होने के वजह से नई जो टेक्नोलॉजी आई है, जो खास तौर पर मेड स्केप, MEDSCAPE, मेडस्केप जो फाउंडेशन है, ये मेडस्केप फाउंडेशन डॉक्टर्स का ही है, ये डॉक्टर्स खास तौर पर उनका हमारे को प्रपोजल आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे को 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स का आईसीयू मैनेज करने के लिए दीजिए, और वे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ जिससे टोटल आईसीयू के हर बेड के बाजू में जो मॉनिटर होता है, उसके सभी जो पैरामीटर्स है वो कंटिन्यूसली दिल्ली में बैठ के भी मॉनिटर किया जा सकता है, और वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वहाँ से जो भी पेशेंट की व्यक्तिगत मेडिकल हिस्ट्री है, वो जानकारी रखते हुए, चेंजिंग पैरामीटर्स जानकारी रखते हुए, उनको आरोग्य की राइट सलाह दी जा सकती है, जिससे कि डेथ रेट कम कर सके और परफेक्ट हमारे को उसका उपचार मिले। यही एक अच्छा टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इफेक्ट या इम्पैक्ट हमारे को दिख सकता है। और हमने ये जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए हैं, जिसमें मुंबई है, महानगर ठाणे हैं, या जलगांव है, सोलापुर है, औरंगाबाद है, अकोला है, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमने वहाँ पर एक ट्रायल के लिए दिए हैं। अगर वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होता है, तो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम ये सेवा टेली आईसीयू की बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ डिटेल में वीसी हुई, कई कमिश्नर्स, कलेक्टर सभी लोग थे, और जिसमें काफ़ी 1 घंटे 2-3 घंटे चर्चा हुई, लेकिन उसमें जो अहम कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस हुए, वे एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी तो आया नहीं है, लेकिन जो भी वर्बली कहा गया होगा, तो उसमें कमिश्नर इकबाल सिंह चहल जी का कहना है कि खास तौर पर जो उन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिससे
जो भी तुम्हारे लेबोरेटरीज के रिपोर्ट है स्ट्रेट एमसीजीएम को जाएंगे, यानी मुंबई महानगर पालिका को जाएंगे, और पेशेंट्स को नहीं मिलेंगे। तो वो अभी हम पेशेंट्स को भी देंगे, लेकिन उसके पहले महानगर पालिका को भी आएंगे। तो इमीडिएटली महानगर पालिका एक लिस्ट बनाएगी, जिसके माध्यम से वो लिस्ट सवेरे 6 बजे एमसीजीएम को मिलेगी हर लैब के तरफ से, और वे लिस्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है 24 वार्ड में की जाएगी, और वे लिस्ट के जो जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएटली इंटीमेट किया जाएगा, उनको कहा जाएगा टेलीफोनिकली। वहाँ की जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है होती है, हर वार्ड में जो वॉर रूम होता है वहाँ पर टीम ऑफ 10 डॉक्टर्स और 10 एम्बुलेंस होते, वे डॉक्टर्स इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि हर पेशेंट को पता चले कि वो पॉजिटिव है और अभी उसकी व्यवस्था किस हॉस्पिटल में की गई है। तो बेड मैनेजमेंट के लिए खास तौर पर जो पॉजिटिव जो प्राइवेट हॉस्पिटल से और जो जो हमारे ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल्स के लिए, ये हॉस्पिटल्स के जो 80% बेड्स गवर्नमेंट को जो मिलना चाहिए उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजंस है वो डिसीजन बिल्कुल माना जाएगा और रिपोर्ट पेशेंट को भी दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ घंटे पहले ज़रूर एमसीजीएम को पहले रिपोर्ट मिलेगा, कि जिससे ये मैनेजमेंट वे कर सके। और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं वे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स अननेसेसरीली कोई बेड ऑक्यूपाई न कर पाए, और जो सही में सीरियस और क्रिटिकल पेशेंट होता है जिसके लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल और ट्रस्ट हॉस्पिटल के बड़े हॉस्पिटल्स के बेड्स चाहिए, वे उनको मिले और उनको न्याय मिले, इसीलिए ये मैनेजमेंट की गई है। मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत प्रॉपरली ये मैनेज किया जाएगा। दूसरा, आज एक थोड़ी जो एक लोगों के दिल में एक डर सा था कि हमारे को कई पेशेंट्स को रेमडेसिविर जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो रेमडेसिविर के हद तक इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है आईसीएमआर ने और ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ऑथराइजेशन फॉर इमरजेंसी यूज़, इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो लोकल हमारे कंपनीज़ हैं, सिप्ला हो या हेट्रो हो, ये कंपनीज़ वो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करेगी और हमारे को अवेलेबल करके देंगी आज जो प्राइजेस है उसके उससे कई गुना कम, क्योंकि ये हमारे इंडियन कंपनीज़ है। एक ही है कि जिस जिस पेशेंट के लिए वो यूज़ किया जाएगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड लिखा रखा जाएगा और वो आईसीएमआर और ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंटीमेट किया जाएगा। इसी का मतलब है ऑथराइजेशन, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ जो है वो इस तरीके से किया जाता है। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ हद तक ये रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग है वो उपलब्ध करने के लिए ज़रूर सिप्ला और हेट्रो से कोशिश करेंगी और देने के हर डिस्ट्रिक्ट को थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। उसी तरह साइटोकाइन स्टॉर्म जो होता है पेशेंट्स में, उसके लिए जो टॉसिलोजुमाब जो ड्रग है उसी का पैरेलल ड्रग सेम कंटेंट का, उसको इटुलेजुमाब जो बोले बोला जाता है, तो ये भी बायोकॉन कंपनी का ड्रग है, उसकी उपलब्धता भी की जाएगी और आईसीएमआर ने उसको भी परमिशन दी है, ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी उसको परमिशन दी है। मुझे लगता है कि ड्रग मैनेजमेंट के यानी पेशेंट के जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग मैनेजमेंट करना पड़ता है उसके लिए ये दो डिसीजंस इम्पॉर्टेंट हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट और एंटीजन टेस्ट
ये दोनों भी अभी अलाउ किए गए हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट उनके लिए की जाएगी जो खास तौर पर हमारे फ्रंट लाइनर्स है, कि जिसमें हम ये देख पाएंगे कि एंटीबॉडीज अगर डेवलप हुए हैं तो वे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली काम कर सकेंगे। तो एंटीबॉडीज टेस्ट भी हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सभी फ्रंट लाइनर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए हम ज़रूर यूज़ करने का एक पॉलिसी डिसीजन हम ले रहे हैं। दूसरा एंटीजन टेस्ट है, ये डायग्नोसिस टेस्ट है, जिससे कि जैसा आरटीपीसीआर में हमारे को पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट आता है, उसी तरह एंटीजन टेस्ट में ब्लड लेने के बाद 1 घंटे में पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट आ सकता है। और इसमें अगर निगेटिव आता है तो आरटीपीसीआर टेस्ट फिर एक बार करना पड़ती है एक कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, और अगर पॉजिटिव आता है तो मात्र वो जो पेशेंट है वो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव है। तो अच्छा इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह से ये जो एंटीजन टेस्ट है वे स्वैब लेके उसके माध्यम से 1 घंटे में हमारे को रिपोर्ट मिल सकता है, और इसको 24 घंटे आरटीपीसीआर को रिपोर्ट को लगता है। तो इससे कम समय में हम काफ़ी हद तक हमारे जो आइसोलेशन वार्ड्स में जो पेशेंट है, सस्पेक्ट पेशेंट्स है, खास तौर पर अगर हमारे को कंटेनमेंट जोन में कुछ टेस्ट करना है, तो इन टेस्ट के लिए इजी टेस्ट ये होगी, और उससे और ज़्यादा स्पीड अप हम कर पाएंगे और स्प्रेड रोकने के लिए भी हमारे को ये कामयाबी मिल सकती है।